भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर को विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 120 कंपनियां तैनात करने की मांग की है। इस मांग को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला। मंगलवार को सांसद अर्जुन सिंह और भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भाजपा के चारों प्रत्याशियों को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। हम अपनी बात को रखेंगे और हम मजबूती से रखेंगे और तथ्य के ऊपर हमने रखा है और हमें विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहेगा। तो इस तरह की बात को क्या लगता है कि इसमें हिंसात्मक घटना हो सकती है? 100% हिंसात्मक घटना होगी जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कैंडिडेट को पीटा जाता है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, जबकि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पिंड साइड वोट होना चाहिए। सारी दुनिया का मीडिया जहाँ पर था वहाँ जब हमला हो सकता है, जो एक्स प्रेसिडेंट है उन पर हमला हो सकता है, हम पर हमला हो सकता है, सारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो सकता है, तो वहाँ तो हत्या होगी, हमला नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब से मिला था, हम लोग का आज मिलने का मूल विषय था जो जो 4 उपचुनाव आ रहे हैं उसमें पहला हमारा मांग कि हमारे जो 4 प्रार्थी हैं, भाजपा के जो 4 प्रार्थी हैं, चारों को केंद्रीय फोर्स का व्यक्तिगत सिक्योरिटी दे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमें पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा शून्य से भी कोई नीचे हो सकता है तो वो है। अभी तक पिछले कुछ दिनों में हमारे 2 प्रार्थी, 4 में से 2 प्रार्थी के ऊपर हमला हो चुका है, गाड़ी घूम चुका है, खरदा के हमारे युवा प्रार्थी जय शाह और अशोक मंडल जी जो दिनहट्टा के प्रार्थी हैं उन पर हमला हो चुका है। तो हम ये चारों हमारे प्रार्थियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल का हम मांग किए हैं, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा। इसके अलावा चारों विधानसभा क्षेत्र में हमारी मांग है कि हर विधानसभा में कम से कम 30 कंपनी केंद्रीय बल तैनात किए जाए। वैसे भी उपचुनाव के दिन केंद्रीय बलों की 80 कंपनियां तैनात रहेंगी। वहीं भाजपा नेताओं को आशंका है कि बंगाल के हालात को देखते हुए 80 कंपनियां कम हैं। कैमरा पर्सन टीकम शर्मा के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।